आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम जय देवी यादव है। हम मिर्ज़ापुर ज़िले से बोल रहे हैं। मेरा एक गवाही है और मैं गवाही देना चाहते हैं। प्रभु यीशु जी ने मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा काम किया है। कल रात को मेरे सर और हाथ पैर में इतना तेज़ी से दर्द था, इतना तेज़ी से दर्द था कि हम रो रहे थे। फिर उसके बाद हम प्रभु जी का प्रार्थना सुने और प्रभु जी से धन्यवाद किए। प्रभु जी से विनती की है कि प्रभु जी मेरा हर एक प्रकार का दर्द दूर हो जाए और प्रभु जी की कृपा देख। प्रभु जी बहुत दयालु हैं और प्रार्थना सुनते ही हमें आराम हो गया, आराम हो गया और अच्छे से सोए। फिर उसके बाद पापा मेरे आए तो बोले कि बेटा आराम हुआ। हम क्या, हाँ पापा आराम हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने हम प्रभु यीशु जी ने हमको आराम दिलाया है। तो पापा मेरे फिर से प्रार्थना करने के लिए बोले, फिर से हम प्रार्थना सुने और फिर से हम प्रार्थना किए थैंक यीशु चैनल के माध्यम से। और धन्यवाद करते हैं फास्टर जी का, जो कि फास्टर जी हमें हर रोज़ एक नया वचन, नया प्रार्थना हमारे लिए प्रार्थना विनती और निवेदन करते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु पिता परमेश्वर, आप सभी मसीह भाई बहन प्रभु जी पे विश्वास रखिए और धन्यवाद कीजिए, भरोसा कीजिए। आप सभी के लोगों के जीवन में ज़रूर परमेश्वर काम करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु जी। प्रेज द लॉर्ड, पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से इस सुंदर से समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने हमारे जीवन में सुबह से लेकर के शाम तक पिता आपने हमें सुरक्षित रखा। इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं पिता। आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता, आपकी वंदना करते हैं पिता। हम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु कि पिता सुंदर से शाम के लिए खुदावंद आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें श्वासें दी और प्रार्थना करने का मौका दिया पिता। इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग परमेश्वर का धन्यवाद करें। चाहे आज आपके जीवन में काम सफल ना हुए हों, तब भी आप परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि सफलता ना मिलने के कारण हो सकता है परमेश्वर आपको उससे अच्छा देने जा रहा हो, उससे बेहतर आपके जीवन में करने जा रहा हो, उससे कहीं बेटर आपको देने जा रहा हो परमेश्वर। हालेलुया, इसीलिए कभी भी हमें उदास नहीं होना है। आज नहीं तो कल परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा, हमें उत्तर देगा, क्योंकि हम उसके संतान हैं। हम किसी इंसान से नहीं मांगते हैं, हम अपने पिता से मांगते हैं, हम अपने परमेश्वर से मांगते हैं। इसीलिए परमेश्वर का दिया हुआ हमेशा रहता है, लेकिन इंसानों का दिया हुआ वो हमेशा कहेगा कि मैंने तुझ पर एहसान किया है, लेकिन परमेश्वर ये नहीं कहता कि मैंने तुझ पर एहसान किया, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। और परमेश्वर का वचन कहता है मेरा कर्तव्य है कि मैं तेरी बातों को सुनूं, मैं तुझे दूं। जैसे एक पिता देता है अपने बच्चों को हर एक वस्तु देना जानता है, उसी तरीके हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर। आज हमें जो संसार के लोग देते हैं उसे हमें लौटाना पड़ता है, लेकिन जब परमेश्वर हमें देता है उसे वापस नहीं करना पड़ता है, वो हमेशा के लिए हमारे लिए हो जाता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रियो, आज जितने भी मेरे मसीह भाई बहन जुड़ रहे हैं, परमेश्वर आपको हर एक कठिनाइयों से बचाएगा, हर एक प्रकार की मुश्किल घड़ी से बचाने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आपके जीवन को छूने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। तो मेरे प्रियो, हमें धैर्य रखना है, हमें विश्वास रखना है। परमेश्वर ने क्या कहा था? प्रभु यीशु मसीह ने पाप के विषय में कहा था। आज हम पाप की परीक्षाओं में फंसे हुए हैं, पड़े हुए हैं। कोई किसी बहन का कहना है कि मैंने ये गलतियां किया, किसी भाई का कहना है कि मैंने जीवन में ये पाप किया, मैंने ये गलत किया, मैंने ये काम किया। तो यीशु मसीह ने इसके बारे में क्या कहा था? इसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने सीधे और सिंपल में बात आपको बताऊं तो परमेश्वर ने कहा, जो तूने जीवन में अपने किया है उसे भूल जा और उसे परमेश्वर के सामने घुटने टेक करके यीशु मसीह के नाम से सभी लोगों को प्रार्थना करना है और कहना है कि परमेश्वर, मैंने तो जीवन में गलतियां की हैं, मैं इसे स्वीकार करता हूं, मैं हृदय से ग्रहण करता हूं कि मैंने जीवन में पाप किए हैं। जो भी आप अपनी जिंदगी में पाप किए हुए हैं, परमेश्वर आपके हर एक अपराधों को, गुनाहों को क्षमा करता है।
तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा था, आप पढ़िएगा मत्ती रचित सुसमाचार में पढ़ सकते हैं, लूका के पुस्तक में पढ़ सकते हैं और मरकुस के पुस्तक में पढ़ सकते हैं, आप इन तीन चार जगह पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं मत्ती रचित सुसमाचार से वचन उठाना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने क्या कहा। जब हम पढ़ते हैं यहाँ पे 18:6 में, पर जो कोई इन छोटों में से, जो परमेश्वर ने क्या कहा, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा और वचन हमारे जीवन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। परमेश्वर ने कहा, पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं, एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता। परमेश्वर का वचन कहने का मतलब क्या है मेरे प्रियों? इन सब वचनों को आपने कई बार पढ़ा होगा, कई बार आपने सुना भी होगा। परमेश्वर का वचन कहता है, ठोकरों के कारण संसार पर हाय, ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय मनुष्य जिस पर, परमेश्वर ने क्या कहा, मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है, हाय करता है। तो मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में ठोकरें आती हैं, परीक्षाएं आती हैं, क्या आप घबरा जाएंगे? क्या आप काम नहीं करेंगे? क्या आप प्रार्थना नहीं करेंगे? क्या आप प्रार्थना को सुनेंगे नहीं, वचन को नहीं सुनेंगे? परमेश्वर का वचन कहता है कि आपके जीवन में ठोकरें लगना आवश्यक है, जरूरी है मेरे प्रियो, क्योंकि जब तक आपके जीवन में ठोकरें नहीं लगेंगी, तब तक आप संभलेंगे नहीं, तब तक कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि मैं गलत कहा हूं, मैं गलत क्या कर रहा हूं। मेरे प्रियो, एक बात आप सोच करके सोचिए अपने जीवन में, यदि आप चाहे अच्छा करें चाहे बुरा करें, कितना भी गलत काम करें, आपको ठोकरें ना लगे तो आपको एहसास होगा कि मैंने गलत किया है कि सही किया है? नहीं मेरे प्रियो, नहीं होगा आपको एहसास। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ठोकरें लगना तो अवश्य है आपके जीवन में, लेकिन यदि उन ठोकरों से हम अपनी जिंदगी में परिवर्तन ना कर सके, अपनी जिंदगी को बदल ना सके, अपने विचार को बदल ना सके, अपने नैतिक जीवन को बदल ना सके, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मूर्ख है, क्योंकि परमेश्वर इसीलिए आपको ठोकरे देता है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपने जीवन में ठोकरे खा करके, आप जैसे सुनते होंगे गांव में बोलते होंगे, शहरों में बोलते हैं, ठोकरे खा खा करके मैं यहां तक पहुंचा हूं, तो इसलिए जीवन में ठोकरे आना आवश्यक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आगे पढ़िएगा, वचन में लिखा हुआ है, यदि तेरा हाथ या तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट करके फेंक दे। टुंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि जो हाथ हो या फिर पांव हो ठोकर खिलाए तो उसे काट करके फेंक दे। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहने का मतलब हाथ आपको नहीं काटना है। परमेश्वर ने कहा कि उन बुराइयों को करना छोड़ दे, उन समस्याओं से लड़ना छोड़ दे जो तेरे जीवन में के लिए गलत है। यहाँ पे मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो सोचते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हाथ पांव काट के फेंक दो। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन का अर्थ आप समझिए, यदि तेरा हाथ या तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट करके फेंक दे। टुंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दो हाथ या दो पांव रहते हुए तू अनंत आग की आग में डाला जाए। यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल करके फेंक दे। काना हो करके जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दो आंख रहते हुए तू नरक के आग में डाला जाए। परमेश्वर ने यहाँ पे कहा, तो हमें इसका अर्थ, इसका सही मायने में हमें समझना चाहिए। हमें यदि आज हम किसी लड़की के ऊपर नजर, बुरी नजर डालते हैं, गलत करते हैं, जो हमारे यंग लोग हैं, जो हमारे मसीह समाज के लोग हैं, जो गैर मसीही लोग हैं, क्या वो अपनी आंखें निकाल देंगे? क्या वो अपने हाथ को काट देंगे गलत काम करने से? क्या अपने पांव को काट देंगे? नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहने का मतलब बिल्कुल भी नहीं है।
अर्थ आप इसका ये है सीधा और सिंपल बात में कि जो आप जिन बुराइयों के कारण आप ठोकर खा रहे हैं, जो अपने जीवन में बुराइयां कर रहे हैं, उसको निकालना है आपको, उसको फेंकना है आपको, उसको हटाना है आपको, अपने नजरों के सामने से, अपने हाथों से, अपने पैरों से उसे फेंक देना है मेरे प्रियो। तो परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने कहा कि जितने लोग मुझसे प्रेम करते हैं उनके जीवन में अवश्य ठोकरें लगेंगी, लेकिन वो ठोकरें हमेशा के लिए नहीं लगेंगी, वो कुछ पल के लिए आएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हल्का सा क्लेश परमेश्वर की महिमा के लिए होता है। यदि हल्का सा क्लेश आज हमारे जीवन में नहीं आएगा तो कभी हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं प्रार्थना करेंगे, उससे कभी उससे विनती नहीं करेंगे, कभी उसका धन्यवाद नहीं करेंगे, कभी उससे वचन उसके वचन को नहीं पढ़ेंगे। और ये बात सत्य है मेरे प्रियो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन के कहने का मतलब है इन्हीं बातों से परमेश्वर आपको आशीषित करने लगेगा। यदि आप पाप करने की परीक्षाओं में पड़ते हैं, पाप करते हैं, उसके बाद भी सुधरने का नाम नहीं लेते, यदि आपने गलत काम किया, परमेश्वर ने तो कहा है मनुष्य के अंदर पाप का स्वभाव है, वो पाप करेगा, लेकिन यदि हम ठोकर खाने के बावजूद भी यदि हम अपने जीवन को नहीं बेहतर कर सकते, नहीं बदलाव कर सकते, अगली सीढ़ी पर नहीं चढ़ सकते हैं, तो आप उसी सीढ़ी में चढ़ते रहेंगे, गिरते रहेंगे, चढ़ते रहेंगे, गिरते रहेंगे। तो परमेश्वर ने कहा अपने आप, अपने मन, अपने दिमाग, अपने हर एक चीजों को चेंज करो, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आपसे प्रेम करता है। मेरे जितने भी मसीह भाई बहन इस समय जुड़े हुए हैं, खुदावंद उनके जीवन में आशीष देगा, इतनी आशीष देगा, इतना बरकत देगा कि वो भी जानेंगे कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, मैं भी परमेश्वर से प्रेम करूं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए आज हमारे चाहे कितने भी एज के लोग क्यों ना हो, परमेश्वर के लिए कोई एज मायने नहीं रखता है। परमेश्वर के लिए कहा है कि मैंने तुम्हें अनंत जीवन दिया है, मैंने तुम्हें शांति दी है, मैंने तुम्हें सुख दिया है, मैंने तेरे जीवन में हर काम किए हैं। यदि आज कोई रोता है, जिनके आंसू बहते हैं, जो आज परेशान हैं, हताश हैं, सभी लोग तो दुखी नहीं है, कुछ लोग दुखी हैं तो कुछ लोग हंस रहे हैं, कुछ लोगों के जीवन में खुशियां हैं, कुछ लोगों के जीवन में दुख है, तकलीफ है। तो परमेश्वर ने कहा कि आपके जीवन में ठोकरें लगना अवश्य है, आपके जीवन में तकलीफें आएंगी, दुख आएंगी, परेशानियां आएंगी, लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपको अपने आप को मजबूत करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि खुदावंद आपसे प्रेम करता है, आपके जीवन से प्रेम करता है, आपसे प्यार करता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इसीलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह ने कहा था, देखो मैं अपनी भेड़ों को ढूंढने के लिए आया हूँ, उनको ज्ञान दूंगा, उनको बुद्धि दूंगा, उनको समझ दूंगा, उनको सही रास्ता दूंगा, सही मार्ग दूंगा, अपने बच्चों को संभालने के लिए आया हूँ। हालेलुया, किसी ने कहा कि मैं अपने बच्चों को संभालने आया हूँ, प्रभु यीशु मसीह अपने बच्चों को संभालने के लिए आया, अपने बेटे और बेटियों को संभालने के लिए आए हैं। इसीलिए परमेश्वर का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाइयों, आइए चलते हैं, प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। खुदावंद हमें आशीष दे, हमें बरकत दे, हमें संभाल, हम आपके बच्चे हैं, हमारे हर एक अपराधों और गुनाहों को क्षमा कर। मेरे प्रिय भाइयों, सभी लोग अपनी आंखों को बंद करें, अपने हृदय पर हाथ रख करके परमेश्वर का हृदय से दिल से धन्यवाद करें कि खुदावंद मैं अपने हर एक अपराध और गुनाहों को मानता हूँ और मैंने क्षमा मांगता हूँ पिता आपसे, आप मुझसे गलतियां हुई हैं जो पिता उसे क्षमा करें। तो पिता आपकी हर एक अपराधों को, गुनाहों को वो क्षमा करेगा। तो प्रार्थना करते हैं, अपने आंखों को बंद रखिए और खुदावंद के प्रार्थना को अंत तक ग्रहण करिए और अपने मन में हर एक बातों को लेकर के जो आपके मन में विचार आ रहे हैं उसको परमेश्वर को बताइए। धन्यवाद करने के साथ साथ आप अपने मन के विचार की बातों को बताते जाइए कि पिता मेरे जीवन में ऐसी घटना घट रही है, मैं क्या करूंगा आगे, मुझे रास्ता दे, मुझे जीवन दे, मुझे संभाल पिता। जो भी किसी मसीह भाई बहन के जीवन में कोई भी विचार मन में आ रहा है, ख्याल आ रहा है, सोच आ रही है, तो परमेश्वर उनको संभालने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, इस सुंदर से रात्रि के समय पिता परमेश्वर, जो आपके बच्चे, आपके बेटे, आपकी बेटियां प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, आज उनके जीवन को आप छूने वाले
हैं, उन्हें आशीष देने वाले हैं, उन्हें बरकत देने वाले हैं, उन्हें संभालने वाले आपके लिए। आज जितने भी आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता, आज उनके जीवन में, उनके घरों में, उनके हर प्रकार की बीमारियों में, हर प्रकार की समस्याओं में आप उनका साथ देने वाले हैं पिता, और उनको हर प्रकार की बीमारियों से उन्हें आजाद करने के लिए आए हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जितने भी आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता, जो आप पर विश्वास करते हैं आपके वचनों के द्वारा, आज उनके घरों में आशीष आए, बरकत आए, हर एक चीजों के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। जो भी हमारे पास मैसेज आते हैं पिता परमेश्वर, और जो भी कमेंट के द्वारा हमारे लिए पूछते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करिए, हमारे घर के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए, उन सभी के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि खुदा आज उनके घरों में, उनके बेटे और बेटियों के जीवन में आप उन्हें आशीष देने वाले हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो परमेश्वर आज आपके जीवन में इस प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में, आपके घरों में बहुत सारी आशीष देने जा रहा है। आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो भटके हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं जो परेशान हैं, बहुत सारे लोग जो हैं भीड़ को देख करके भागते हैं, लेकिन नहीं, खुदावंद आपके साथ हैं। यीशु मसीह ने कहा जहाँ एक से दो लोग हैं आपके घरों में, आपके आपके बेटे और बेटियाँ और पति और पत्नी हैं, सभी लोग मिल करके प्रार्थना यदि आप करते हैं तो आपके घरों में बहुत सारी आशीष आएगी, बहुत सारी बरकतें आएंगी। आपको किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं लेना, चिंता नहीं करना। यीशु मसीह ने कहा सत्य और मार्ग और जीवन में ही हूँ, यदि तू मुझ पर विश्वास करता और भरोसा रखता है, यदि एक राई के दाने के बराबर ये तेरा विश्वास है, तो आज तेरे घरों में जो समस्याएं हैं, जो बीमारियां हैं, जो तकलीफें हैं, जो मुसीबत है, जो दुख है, वो हर एक चीज़ खत्म होंगी आपके जीवन से। हर प्रकार के पैसे की प्रॉब्लम जो आपके घरों में हैं, आप बहुत सारे लोग मेरे मसीह भाई बहन हैं, मेहनत करते हैं लेकिन उसका पूरा फल नहीं पाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे आशीष दूंगा। जिस तरीके से उपदेश का अध्याय 3 में लिखा है, वहां पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यही कहता है कि मैं तुझे दूंगा, लेकिन हर एक चीज का निश्चित समय है। यदि आज तेरे आंसू बहते हैं, आज आप लोग रोते हैं, आज जितने मेरे बहने हैं या फिर मेरे जितने भाई हैं, आज जितने लोग रोते हैं, खुदावंद आपके घरों में आपको बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देने वाला है। वो परमेश्वर का वचन कहता है कि मत डर, भरोसा रख, विश्वास रख, मैं तेरे जीवन में हर एक घटे और कमी को पूरा करूंगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन के द्वारा यदि आज आप इस प्रार्थना को अंतिम तक सुनते हैं, तो खुदावंद आपके घरों में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके बच्चे जो आपकी बातों को नहीं मानते, नहीं सुनते हैं, खुदावंद आपको आशीष देगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु की स्तुति हो, आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए आज हर एक मसीह भाई बहनों, जो सभी लोग आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से, आपके घर से दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से सब निकलने वाली, यीशु मसीह के नाम से एक गूंगी बहरी और गंदी आत्माएं जो भी आपके घरों में है, यीशु मसीह के नाम से उसके पवित्र लहू के नाम से हम आज्ञा देते हैं निकल यीशु मसीह के नाम से, उसके घरों से, उसके बेटे के जीवन से। आज जो पति और पत्नी के बीच में लड़ाई और झगड़े हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं यीशु मसीह के नाम से, बहुत सारी बीमारियां हैं, आज हम हर प्रकार के दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से, उनके घरों से, उनके शरीर से, उनके जीवन से, उनके परिवार से, उनके हर एक चीजों से, हर एक कामों से, हर नौकरी से, जॉब से, हर एक प्रकार के बीजे में जो भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही यीशु मसीह के नाम से, सब दूर यीशु मसीह के नाम से निकल। सत्कलम 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 यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। सिर्फ वक्त रिसीव करिए, रिसीव करिए यीशु मसीह के नाम से, इस प्रार्थना को रिसीव करिए यीशु मसीह के नाम से। आज आपके घरों में खुशी आने वाली है, आपके घरों में बरकत आने वाली है। आज जो आप रोते हैं, आप जो परेशान हैं, आपके आंसू नहीं बंद होते हैं, आज इतने मेरे बहनें हैं आज जो इस समय रो रहे यीशु मसीह के नाम से, आज उनके आंसू को पोंछने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन कहता है मैं तेरे आंसुओं को पोछूंगा और तू खुशी से खुशी से अपने जीवन को बेहतर से बनाएगा और मैं तुझे मजबूत करूंगा। दृढ़ रख, विश्वास रख, भरोसा रख, मैं तेरे जीवन में हर एक घटे और कमी को पूरा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस। हर प्रकार की बीमारियों के लिए हम दुआ करते हैं। आज सर्दी, जुकाम, पैरों से लेकर के सिर से लेकर के पैर तक जो भी किसी प्रकार की बीमारियां यीशु मसीह के नाम से, अपने बच्चों को पर हाथ रखें। जो भी कोई व्यक्ति बीमार यीशु मसीह के नाम से, जिनके पेटों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अनेक प्रकार के बॉडी के किसी भी पार्ट में किसी प्रकार के एक्सीडेंट हुआ यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त वहां पर हाथ रखिए यीशु मसीह के नाम से, सब कुछ एकदम ठीक होने वाला यीशु मसीह के नाम से। हाथ रखिए, हाथ रखिए और आज्ञा दीजिए
आज्ञा दीजिए, कहिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं और आज हम प्रार्थना करते, विनती करते और आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे बेटे के जीवन में समस्या है, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे जीवन में, मेरे बच्चों के जीवन में, या पति और पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े, अनेक प्रकार की समस्याएं, किसी का पैसा फंसा है, आज बहुत सारी समस्याओं से परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके जीवन से निकले यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रिय अपना हाथ तमाम मसीह भाई बहनों को ऊपर रखें जो आज आपके वचन के द्वारा, विश्वास के द्वारा प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, और जो रिसीव करते हैं उनके हर एक कामों में आप उन्हें सफलता देने वाले हैं, हर एक कामों को आप सफल बनाने वाले यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की गंदी आत्माएं, दुष्ट आत्माओं के लिए हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार इसी वक्त आपके घरों से शैतान निकल गए यीशु मसीह के नाम से। और बहुत सारे लोग इस समय जो परेशान, हताश, निराश हैं, उनके जीवन में परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार के जो हाथ रखे यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त डांट करके भगाइए दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल जाए, निकल, निकल यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को आपको नाम लेकर के बोलना है, जो भी किसी प्रकार की बीमारियां, समस्याएं, देखो दुख और तकलीफ, समस्या है आपके घरों में, आप नाम लेकर के आज्ञा दीजिए और डांटिए उस शैतान को, डांटिए, आपके घरों से निकलेगी यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त आपके घरों में आशीष आएगी, बरकत आएगी, आपको खुशियां मिलेंगी यीशु मसीह के नाम से। आज जो रोते भी लगते, परेशान, हताश, डिप्रेशन में, चिंता में, मुसीबत में, अनेक प्रकार की समस्याओं में, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते इस वक्त निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल दुष्ट आत्मा, गंदी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने आपको हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार के कर्जे से, हर प्रकार की समस्याओं से खुदावंद ने आपको बचाया है, और आपने आज्ञा दी है यीशु मसीह के नाम से। आपके घरों में खुशी आने वाली है, आपके बच्चों के जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में, हर एक चीजों में आपको बरकत और आशीष मिलने वाली यीशु मसीह के नाम से। इसलिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। और जितने लोग हमारे इस परिवार से जुड़े हुए हैं, परमेश्वर के सुसमाचार के द्वारा आज उनके घरों में बहुत सारी आशीष आती है। और ज्यादा लोग जो परमेश्वर के वचन को शेयर करते हैं, बताते हैं दूसरों को, खुदावंद उनके घरों में और बरकत और आशीष दे। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं, कहते हैं कि सर हम दान देना चाहते हैं, डोनेशन देना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको उसमें, आपके परिवार में बहुत सारी आशीष और बरकत देगा यीशु मसीह के नाम से। पिता, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने हमारी प्रार्थना सुनी और आपने हमें उत्तर दिया, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आमीन।